हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय जय जी। गर्मियों का मौसम आ चुका है और हरे हरे आम के टिकोरे इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी हल्की फुल्की आंधी आती है तो वो गिर जाते हैं और उसके बाद उनका यूज़ हम अचार बना के नहीं कर सकते। तो हम क्या बनाने वाले हैं आज, चलिए देखते हैं। तो ये है वो हरे हरे आम जो कि पेड़ से गिरे हुए हैं, फ्रेश हैं, लेकिन थोड़े ये चोट खाए हुए हैं, पर इनका आज हम बहुत बढ़िया इस्तेमाल करने वाले हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाली हम रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। इस आम को हमने छिलके पतले पतले टुकड़ों में कट कर लिया है और उसके बाद हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और इसमें हम कुछ तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च और 1 चम्मच के आसपास डालेंगे कलौंजी, मंगरेल भी बोलते हैं जिसे, और 1.5 चम्मच के आसपास डालेंगे इसमें सौंफ, मसाले वाली, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और इन तीनों ही चीज़ों का हम तड़का लगाने वाले हैं इसमें। आपको अगर पसंद हो तो आप इसमें खड़ा लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका भी इसमें टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ ऐसे 3 मसालों से तड़का लगा के बना रही हूँ और फिर जो पतले पतले टुकड़ों में हमने आम को कट कर लिया था छिल के, उनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 2-3 मिनट तक इनको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो ये आम लगभग हमारा 1 से 1.25 किलो के बीच में था, तो हम इसमें 3 पाव के आसपास गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और 1 पाव के आसपास हम इसमें चीनी डालेंगे। तो गुड़ को थोड़ा थोड़ा हमने फोड़ लिया है, बहुत पहले नहीं किया है, ये इसमें धीरे धीरे गर्म होगा तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये रेसिपी बहुत लंबे समय तक टिकने वाली है, ऐसा नहीं है कि ये गिरे हुए आम की बनी है, मतलब पेड़ से टूट के गिर गए हैं और चोट खा गए हैं तो ये टिकेगी नहीं, काफ़ी लंबे समय तक ये टिकने वाली है। जिस प्रोसेस से हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत धीरे धीरे बनाया है और इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर गुड़ और चीनी का इस्तेमाल जो हुआ है, तो इसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक टिकेगी। देख लीजिए, इस कंडीशन तक हमें इसको पकाना है धीमे धीमे। हमने इसको कम से कम 20-25 मिनट पका लिया है और अब ये ठंडा होने के बाद से काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हमारा जो आम का चटनी है, लौंजी है, मुरब्बा है, जो भी बोलें इसको, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी प्री स्टेज पे बन रहा है तो टेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। देखने में इसका लुक बिल्कुल एकदम जैम की तरह जमा हुआ सा हो गया और खाने में ये बहुत मज़ेदार है और जिस तरह से मैंने इसको बनाया है बहुत लंबा टिकने वाला है। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके पास आम आ जाता है किसी के पेड़ से गिरा हुआ, थोड़ा बहुत चोट खाया हुआ, तो उसको फेंकिएगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि ये टिकेगा नहीं, बहुत लंबे समय तक टिकेगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।